हे गाइस, वेलकम टू लिनक्स बेसिक कमांड सीरीज़। और ये है एपिसोड 23। और बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़र ऐड कमांड के बारे में। तो चलिए जानते हैं हम कि यूज़र ऐड कमांड के थ्रू हम क्या काम करते हैं। सो द यूज़र ऐड कमांड इन लिनक्स इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू यूज़र अकाउंट ऑन द सिस्टम। तो बेसिकली जो यूज़र ऐड कमांड है उसके थ्रू हम लिनक्स में एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं। It allows system administrators to add a new user with a specific configuration and settings such as their home directory, user ID जिसको हम UID भी बोलते हैं and group membership। तो बेसिकली जब हम user add command इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें बहुत सारे options का इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू हम user का home directory create करते हैं, user की ID create करते हैं और user किस group का member बनेगा वो भी हम यहाँ पर mention करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टू क्रिएट अ न्यू यूज़र नेम्ड जॉन यू वुड यूज़। तो बेसिकली अगर हमें मान लो कि एक नया यूज़र क्रिएट करना है जिसका नाम होगा जॉन, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे कमांड जो कि है, पहले लिखेंगे sudo। sudo क्यों? क्योंकि बेसिकली जो यूज़र मैनेजमेंट का काम होता है वो होता है रूट को। तो बेसिकली अगर हम रूट रहेंगे तो हमें sudo लगाने की नीड नहीं है, लेकिन अगर हम रूट यूज़र नहीं है, एक नॉर्मल यूज़र हैं और हमें sudo की परमिशन है, तो हम sudo कमांड लगा के यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। और आप नॉर्मल यूज़र हो, आपको sudo परमिशन नहीं है या फिर आप रूट यूज़र नहीं हो, तो बेसिकली आप यूज़र क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, सो पहला कमांड हम लगाएंगे जो कि है sudo, फिर लिखेंगे यूज़र ऐड, फिर लिखेंगे यूज़र का नाम जो कि है इमरान। ओके, फिर यहाँ पे एक फ्लैग है जिसको बोलते हैं हाइफन एम। इससे क्या होगा? इससे इस यूज़र का, इमरान नाम के यूज़र का बेसिकली होम डायरेक्टरी क्रिएट होगी। ओके, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में जॉन लिखा है और यहाँ पे इमरान लिखा है, ठीक है? तो ये बस आपको समझाने के लिए, तो इसे आप इग्नोर करो। ओके, तो हम यहाँ पे इमरान नाम के यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है जो है कि हाइफन एस। ओके, सो बेसिकली हाइफन एस का मतलब होता है डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट, कि इसको कौन से डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट की परमिशन होगी। तो हम बेसिकली जो नॉर्मल होता है वो हम देते हैं बैश स्क्रिप्ट। तो बेसिकली जो बैश स्क्रिप्ट का पाथ होता है वो होता है रूट बिन स्लैश बैश। तो बेसिकली हम यहाँ पे बैश स्क्रिप्ट की परमिशन इसे हम दे रहे हैं। ओके, हाइफन जी का मतलब होता है ये यूज़र किस ग्रुप का हिस्सा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप मेंबरशिप, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ग्रुप्स वो होता है यूज़र्स, तो हम इसको यूज़र्स नाम के ग्रुप में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़र क्रिएट हो गया और किसी ग्रुप का मेंबर बन गया तो बाद में हम उसे किसी और ग्रुप में नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं है। हम दोबारा भी बाद में भी किसी भी ग्रुप में उसे ऐड कर सकते हैं और किसी भी ग्रुप से निकाल सकते हैं। फिर आता है हाइफन सी। हाइफन सी मतलब होता है कमेंट। कमेंट मतलब कि इसके बारे में हम लिखना चाहते हैं कि आखिरकार ये कौन सा यूज़र है। तो मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया है कि यहाँ पे जावा प्रोग्रामर, ये इमरान जो है वो क्या है, एक जावा प्रोग्रामर है, ताकि मैं समझने में आसानी हो जब हमें इसको ढूंढे कि एक्चुअली में ये यूज़र क्या है, क्यों है, ठीक है, तो हमें पता चल जाए। ओके, आफ्टर यूजिंग यूज़र एड कमांड एडिशनल कमांड्स लाइक पास wd आर टिपिकली यूज टू सेव द यूज़र्स पासवर्ड। तो बेसिकली यूज़र ऐड करने के बाद हमें पास wd यानी पासवर्ड कमांड यूज़ करना पड़ता है ताकि हम इस यूज़र का पासवर्ड सेट कर सकें। बिना पासवर्ड सेट किए हम इसके अंदर लॉगिन नहीं कर सकते। ओके, द यूज़र ऐड कमांड इज़ अ फंडामेंटल टूल फॉर यूज़र मैनेजमेंट इन लिनक्स सिस्टम। तो बेसिकली जो यूज़र ऐड कमांड होता है एक फंडामेंटल टूल है यूज़र मैनेजमेंट के लिए लिनक्स सिस्टम के अंदर। तो आप लिनक्स की कोई भी डिस्ट्रो आप यूज़ कर रहे हो, आप इसमें यूज़र ऐड कमांड का इस्तेमाल करके यूज़र को ऐड कर सकते हैं। ओके, सो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं लैब की तरफ और देखते हैं इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने उबंटू की मशीन पे। और बेसिकली अगर हम यहाँ पे आप चेक करें कि हम कौन से यूज़र हैं, तो आप लिखिए whoami, फिर कीजिए एंटर, तो आपको आपका यूज़र नेम मिल जाएगा जो कि है जेसन। मेरा ये यूज़र नेम है जेसन। ओके, सो अगर हम करें ls root home, तो आप देख सकते हैं ये होम डायरेक्टरी है। बेसिकली यहाँ पे एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है जेसन, और इस जेसन के अंदर हम अगर करें pwd, तो आप देख सकते हैं होम, होम के बाद जेसन है जो कि हमारा होम डायरेक्टरी है। इस नाम से, इस नाम से यूज़र होता है उस नाम से होम डायरेक्टरी बनती है। ओके, सो अगर हम करें ls, तो होम डायरेक्टरी के अंदर हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें देखने को मिलती है डायरेक्टरीज वो है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, तो म्यूज़िक, पब्लिक, ये सारी आपको डायरेक्टरी देखने को मिलती है होम डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। सो अब हम चलते हैं बेसिकली यूज़र ऐड करने की तरफ। तो हम सीधा कमांड लगाते हैं sudo। sudo मैंने आपको बताया कि हम sudo इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि जो यूज़र मैनेजमेंट का काम होता है ये होता है रूट को, और बेसिकली हम रूट नहीं हैं लेकिन हमें परमिशन है रूट कमांड्स एग्जीक्यूट करने का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं sudo, जो कि हमने sudo वाले कमांड वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम लगाएंगे sudo, फिर लिखेंगे यूज़र ऐड, फिर स्पेस, फिर यूज़र का नाम तो मैं लिखूँगा इमरान। ओके, फिर स्पेस देंगे,
फिर लिखेंगे हाइफन एम। हाइफन एम का मतलब होता है जो हमने अभी आपको दिखाया होम डायरेक्टरी, तो जब हम हाइफन एम का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। फिर लिखेंगे स्पेस, फिर हाइफन एस मतलब ये होता है डिफॉल्ट स्क्रिप्ट, हम इस यूज़र को कौन सी डिफॉल्ट स्क्रिप्ट देना चाहते हैं, तो जो कि होता है रूट बिन स्लैश बैश। हम चाहते हैं इसको बैश स्क्रिप्ट का परमिशन मिले, तो जो बैश स्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट पाथ होता है हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। फिर देंगे स्पेस, फिर लिखेंगे हाइफन जी, ये यूज़र कौन से ग्रुप का हिस्सा हो, तो बाय डिफॉल्ट जो ग्रुप होता है वो होता है यूजर्स नाम का, तो हम बाय डिफॉल्ट ऐसे छोड़ देते हैं लिख के। फिर लिखते हैं हाइफन सी, हाइफन सी मतलब होता है कमेंट, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे जावा प्रोग्रामर, तो हाइफन सी का मतलब होता है कमेंट, यानी कि इसमें हम लिख देते हैं कि ये यूज़र किस काम के लिए हम जनरेट कर रहे हैं। तो ये यूज़र जो है इमरान, तो हम जानते हैं कि इमरान जो है जावा प्रोग्रामर है, हम इसके लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि हम बाद में पता चल जाए कि आखिरकार जब हम ढूंढे कि अच्छा ये इमरान क्या यूज़र है, कौन है, क्या काम करता है, तो हम देखेंगे अच्छा जावा प्रोग्रामर है। ओके सो हम फिर करेंगे सिंपल एंटर, फिर आएगा पासवर्ड फॉरगेशन, तो बेसिकली हमारा पासवर्ड जो है हम इंटर कर देते हैं। ओके कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब हम इसका करेंगे पासवर्ड सेट, तो हम लिखेंगे sudo, sudo लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पासवर्ड भी रूट का ही हिस्सा होता है, रूट ही इसको एक्सेस कर सकता है, सेट कर सकता है, तो मैं परमिशन है बेसिकली रूट का, sudo कमांड थ्रू हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे sudo pass wt। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतना कमांड चलाएंगे तो जो हमारा यूज़र है यानी हम कौन है जेसन, तो हमारा पासवर्ड चेंज होगा। इसके बाद अगर हम यूज़र का नाम मेंशन कर देंगे तो इसका पासवर्ड चेंज होगा, ठीक है। हम करते हैं एंटर, ओके पासवर्ड में क्या डाल दें, पासवर्ड एंटर कर दिया, एंटर एंटर, ठीक है, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। सो हमने पासवर्ड अपडेट कर दिया। अब हमें अगर यूज़र स्विच करना हो तो हम लिखेंगे su इमरान, ठीक है, su मतलब होता है स्विच यूज़र, फिर लिखेंगे इमरान, फिर करेंगे एंटर, फिर आया पासवर्ड, तो पासवर्ड इंटर कर देते हैं जो हमने पासवर्ड सेट किया था। ओके अब देख सकते हैं, हम लिखते हैं cd यानी होम डायरेक्टरी पाते हैं। अब लिखते हैं हु एम आई, ओके हम इमरान यूज़र के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। फिर लिखते हैं बेसिकली ls hyphen home, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी होम डायरेक्टरी इमरान के नाम से यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी यूज़र में स्विच कर सकते हैं, और बेसिकली हम इसको इससे बाहर निकलना चाहें तो हम लिखेंगे एग्जिट, फिर करेंगे एंटर, तो हम आ चुके हैं हु एम आई तो जेसन। ओके तो गाइस इस तरीके से आप लिनक्स में यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव तो भी कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आ रहा है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल के दोस्तों मैं सुनता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।